तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है विपिन, आप देख रहे हैं कुकिंग विद विपिन। तो आज मैं आपको ऐसी जगह लेके आया हूँ, यहाँ का नाम है बिल्ला फिश कॉर्नर। इनकी जो रोस्टेड और फ्राई फिश है वो काफ़ी अच्छा टेस्ट और मैं कहूँगा सबसे यूनिक टेस्ट है। और बात करेंगे इनके जो इसमें ऑयल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ये बिल्कुल ओरिजिनल यूज़ करते हैं। तो आज आ गए हम बिल्ला फिश कॉर्नर पे। इनके लोकेशन है नंगल डैम के साथ, सब्जी मंडी के बिल्कुल सामने है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से इनकी एंट्रेंस स्टार्ट होती है। बिल्ला फिश कॉर्नर का बोर्ड लगा हुआ है और जैसे कि आप चेयर देख रहे होंगे तो शाम के टाइम यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है कस्टमर्स का, तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे कस्टमर आते हैं। तो वीडियो में आगे हम बताते रहेंगे, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो भैया कुछ बताएंगे कि ये लोकेशन कहाँ पड़ती है, कहाँ पे शॉप है? ये है ना अड्डा मार्केट है, नियर बस स्टैंड है, पुरानी नहर के बिल्कुल साथ है। ये सब्जी मंडी के बिल्कुल बैक साइड पे है। ठीक है, शॉप नेम है बिल्ला फिश कॉर्नर। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हो? सर एक्चुअली हमारे फादर कर रहे थे, अब उससे आगे नेक्स्ट जनरेशन है। ठीक है, अगली पीढ़ी स्टार्ट है। ठीक है, और फिर टाइमिंग क्या होती है आपकी ओपन होने की? और 3:30 बजे शुरू हो जाता है और रात के 10:30 अप्रोक्सीमेटली 11 बजे तक हो जाता है टाइमिंग। और भैया एक चीज और सुनी है मैंने यहाँ पे कि जो आप ऑयल कौन सा यूज करते हैं? सरसों का तेल यूज होता है इसके लिए, और फ्राई है। उसके अलावा हमारे पास रोस्टेड फिश है, बारबेक्यू जिसको बोलते हैं, उसमें वैरायटीज है अलग, 2-3 तरह के कतला है, सिल्वर है, माशेर है, दोनों वैरायटी फ्राई हो जाती है और रोस्ट हो जाती है। दोनों का फ्लेवर जो है दोनों का अलग अलग टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी क्योंकि इनका टेस्ट काफ़ी यूनिक है और यहाँ पे जो ये तेल यूज़ कर रहे हैं वो प्योर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे कि टेस्ट इसका जो टेस्ट होता है वो डबल हो जाता है। कस्टमर्स हैं, एक बार हम फीडबैक ले लेते हैं। तो सर आप कहाँ से आए हैं सबसे पहले तो बताइए? मैं अमृतसर से आया हूँ, स्पेशल यहाँ पे फिश के लिए आया। तो अमृतसर से आप देख सकते हैं इतनी दूर से यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं बिल्ला फिश कॉर्नर की फिश को टेस्ट करने। तो पाजी कैसा टेस्ट था इसका? बहुत अच्छा, ऐसी फिश अभी तक खाई नहीं होगी। ठीक है, और जो इनका इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो ये ओरिजिनल जो ये मस्टर्ड ऑयल जो यूज करते हैं इसका टेस्ट क्या कर देता, दुगना कर देता है इसमें? इसमें टेस्ट ही मस्टर्ड ऑयल का होता है, और कोई ऑयल से बनेगी तो अच्छी बनेगी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक सर। इसी के साथ मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कुकिंग विद विपिन, और मेरी वीडियोस को शेयर करें विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा अपने इस YouTube चैनल पे और आपको दिखाता रहूँगा। पाजी कुछ इसमें कुछ अलग से आप मसाले ऐड करते हो या क्या चीज़ है, आप मेरे को थोड़ी डिटेलिंग में बताओगे? पाजी जो अपना फिश है पहली गल है फ्रेश है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਦੋ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਾਈ ਤੇ ਰੋਸਟਡ ਦੀ। ਮਸਾਲਾ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਸਟ ਤੇ ਫਰਾਈ ਦਾ ਟੇਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਭਿਆ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਫਰਾਈ ਕਾ ਟੇਸਟ ਔਰ ਜੋ ਰੋਸਟਡ ਕਾ ਜੋ ਟੇਸਟ ਹੋਗਾ ਵੋ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਔਰ ਪਾਜੀ ਕਾ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਭਈ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਅਹੁਜਾ 0096। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪਾਜੀ ਕੇ ਚੈਨਲ ਕੋ। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।